हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जुनून चैनल। आज मैं आपके साथ 2-in-1 फेस मास्क शेयर करने जा रही हूँ। 2-in-1 मीन्स ये आप जे आपकी सन टैन, आपकी बॉडी पे जो सन टैन है उसको भी दूर करेगा, और अगर पिगमेंटेशन है बॉडी के किसी पार्ट पे जैसे आर्म्स, लेग्स, फीट, फेस, नेक, तो उस पिगमेंटेशन को भी दूर करेगा। पिगमेंटेशन के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ आपकी इंटरनल हेल्थ भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसके लिए सबसे पहले आपकी इंटरनल हेल्थ ठीक होना जरूरी है। अगर आपकी इंटरनल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो ये होम रेमेडीज़ भी अपना जो असर है वो 100% नहीं दिखा पाती। इसलिए अपनी इंटरनल हेल्थ ठीक करने के लिए बैलेंस डाइट लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसके बाद होम रेमेडीज़ ने तो अपना काम करना ही है। मैं इस एंटी पिगमेंटेशन और एंटी सन टैन फेस मास्क को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट है स्क्रबिंग और सेकंड है फेस पैक। फेस मास्क का स्क्रबिंग वाला पार्ट है जो हमें वीक में जस्ट 2 से 3 बार ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि स्क्रबिंग हम वीक में 2 से 3 बार ही कर सकते हैं। मैंने स्क्रबिंग के लिए पाउडर्ड शुगर यूज़ की है। आप उसके लिए राइस फ्लावर और मसूर की दाल, जो ग्राइंड की हुई मसूर की दाल, वो यूज़ कर सकते हैं। और फेस पैक वाला पार्ट हम रेगुलर यूज़ करेंगे, हम डेली यूज़ कर सकते हैं उस पैक को। मैंने फेस पैक में ओटमील पाउडर यूज़ किया है। आप उसकी जगह पे बेसन और मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, उसका इक्वली उतना ही इफ़ेक्ट होगा। तो देखते हैं, चलो कैसे बनाते हैं हम फेस मास्क। फर्स्ट पार्ट है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हमें चाहिए आधा टमाटर, जिसके बीज हम अच्छी तरह निकाल लेंगे, और सेकेंडली हमें चाहिए पाउडर्ड शुगर। अब सबसे पहले मैं स्क्रबिंग करूँगी। स्क्रबिंग के लिए जो टमाटो के ऊपर पाउडर शुगर मैंने ली थी, उसको लगाकर अपने फेस पे धीरे धीरे स्क्रब करना शुरू करूँगी सर्कुलर मोशन में। हमने टोमेटो यूज़ किया है इसमें, तो टोमेटोज आर एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन मोस्ट ब्यूटी ट्रीटमेंट। टोमेटो यूज़ सन टैन को रिमूव करता है। सन टैन रिमूव करने के साथ साथ ये लार्ज पोर्स को श्रिंक भी करता है। इट आल्सो सूथ सनबर्न एंड रिवाइव डल स्किन। सेकेंडली हमने ली है शुगर। शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, और ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम टॉक्सिंस। शुगर एक्ट्स एज नेचुरल एक्सफोलिएटर, जो कि आपकी डेड स्किन को हटा देगी, और शुगर हेल्प्स टू इलिमिनेट ब्लेमिशेस। 5 मिनट तक हम स्क्रबिंग करेंगे अपने फेस पे। तो मैंने 5 मिनट तक स्क्रबिंग कर ली है, तो अब मैं नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लूँगी। फेस वॉश करने के बाद मेरे फेस पे पहले से फ़र्क दिख रहा है। हालांकि मेरे फेस पे कोई पिगमेंटेशन या सन टैन नहीं है, फिर भी रिज़ल्ट दिख रहा है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है फेस पैक। फेस पैक के लिए हमें चाहिए एक पोटैटो। पोटैटो को अच्छी तरह वॉश करके पील कर लेंगे, उसके बाद उसको कद्दूकस कर लेंगे, और हमें चाहिए ओटमील। ओटमील के और ओटमील को ग्राइंड करके हम पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और नेक्स्ट हमें चाहिए हनी। अब हम एक कटोरी में ये कद्दूकस किए हुए पोटैटो को अच्छी तरह निचोड़ के उसका जूस निकाल लेंगे। ये मैंने पोटैटो जूस अलग कर लिया है। एक पोटैटो से जितना जूस निकलेगा उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ओटमील पाउडर और 1/2 चम्मच हनी। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करके 30 सेकंड्स के लिए रख देंगे, ताकि जो ओटमील है वो प्रॉपर फूल जाए और एक पेस्ट सा रेडी हो जाए। 30 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, क्योंकि नहीं तो जो पोटैटो जूस है वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब मैं इस फेस पैक को अपने फेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूंगी। इसमें हमने जो पोटैटो जूस यूज़ किया है, पोटैटो जूस ब्लेमिशेस को ट्रीट करता है, जो पिगमेंटेशन हमारे फेस पे होती है, अनइवन स्किन टोन होती है, उसको इम्प्रूव करता है। और पोटैटो जूस हेल्प्स टू कीप अवे रिंकल्स एंड टू गेट दैट हेल्दी ग्लो एंड सॉफ्टनेस।
पोटैटो जूस में नेचुरल ब्लीचिंग इफेक्ट भी होता है, हमारी स्किन को जो ब्लीच भी करता है। और हमने यूज़ किया है इसमें ओटमील पाउडर। ओटमील बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन हमारे फेस को प्रोवाइड करता है, और ओट्स हमारी स्किन को लाइट करने के साथ साथ ये हमारी स्किन टोन को इम्प्रूव भी करते हैं और स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं और हमारे फेस पे जो ब्लॉची एरियाज़ होते हैं उनको स्मूथ करते हैं। और हमने यूज़ किया इसमें हनी। थैंक्स टू इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, इट्स ग्रेट फॉर एक्नी ट्रीटमेंट। हनी इज़ फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड इट इज़ ग्रेट फॉर स्लोइंग डाउन एजिंग। It helps to create a glow on your skin. अब मैंने ये अपना पैक, अब मेरी आँख में लग गया ये हाथ मेरा। अब मैंने ये फेस पैक अप्लाई कर लिया अपने फेस पे। अब इसको ड्राई होने तक मैं वेट करूंगी। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद मेरा फेस पैक बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मुझे मेरा फेस सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग लग रहा है। इस ट्रीटमेंट को यूज़ करने के बाद आप की पिगमेंटेशन और सन टैन की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इस फेस मास्क को रेगुलर 15-20 दिनों तक यूज़ कीजिए, आपकी सन टैन और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।